गुड मॉर्निंग। सो एक्चुअली नॉट सो गुड मॉर्निंग, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11:30। मैं पहले आपको रूम टूर दे देती हूँ। तो आप नीचे से ऐसे आओगे सीढ़ी से, यहाँ पे ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। हमारा रूम नंबर था भागीरथी 109। यहाँ से आप बाहर की तरफ ऐसे चप्पल स्टैंड टाइप का दिया हुआ है। देन दिस वॉज द रूम। सो वी टुक नदी फैमिली कॉटेज। अगर तुम आउट दिखाओ, ओके। सो दिस वॉज द रूम। एक डबल बेड था, 2 सिंगल बेड, और उन्होंने एक्स्ट्रा मैट्रेस प्रोवाइड किया था। ठीक है, यहाँ पे एक सोफ़ा कम बेड था, एक सोफ़ा, एक चेयर, एसी, बहुत ही एकदम डिसेंट। और उस साइड है वॉशरूम। एक डिसेंट साइज का रूम था, नथिंग फैंसी बट बहुत क्लीन, सब कुछ बहुत साफ सुथरा एकदम। हम चेकआउट करने जा रहे हैं सुबह उठ के। यहाँ पे कहीं पे भी वीडियो फुटेज करना अलाउड नहीं था, सो वी डिडंट शूट एनीथिंग। सुबह हमने ध्यान लिंग और लिंग भैरवी के दर्शन किए और नाश्ता वगैरह करके अब हम कर रहे हैं चेकआउट। यहाँ पे कहीं शूट नहीं कर सकते, इनफैक्ट इवन यू कैन नॉट रिकॉर्ड एंड टॉक, और रादर यू कैन नॉट टॉक एंड वॉक। सो अभी के लिए मैं ये फुटेज यहीं बंद करूँगी। मिलते हैं आपसे एग्जैक्टली यहाँ से चेकआउट करके निकलने के बाद। सो सी यू। आज कोई तो वीआईपी मूवमेंट भी है। इफ यू सी देयर इज अ हेलीकॉप्टर लैंडेड देयर। ब्यूटीफुल व्यू। निकल आए हैं हम ईशा से काफी दूर अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है अराउंड close to 110 kilometers from Isha Foundation. So हम जा रहे हैं towards a hill station named Valparai. ये एक थोड़ा quaint सा less famous destination है। हम पहली बार जा रहे हैं but it's quite a good one. So let's see कैसा रहता है। roads जो approaching roads अभी तक थे वो ऐसा, वहाँ से निकल के ऑलमोस्ट लाइक क्लोज टू 20-30 किलोमीटर्स प्रॉपर गांव टाइप का ही रास्ता था, और अभी हम थोड़ा सिटी टाइप एरिया में हैं टू रीच। अभी भी दिखा रहा है अराउंड 2 आवर्स 81 किलोमीटर्स पर वल्पराई फ्रॉम ईशा फाउंडेशन। अभी तक पूरा रास्ता हाईवे ही रहा है, बट ये अराउंड 45 किलोमीटर पहले से ये रोड एकदम एक मार्केट प्लेस है। ये नहीं पता ये गूगल का कमाल है या रोड ही ऐसा है। सो दिस टाइम द प्लेस वी आर स्टेइंग इन इज अ होम स्टे, और पिक्चर्स वगैरह तो बहुत अच्छे थे, बहुत प्रॉमिसिंग। इट्स अ टी बंगलो, तो वहाँ जाके देखेंगे कि how much they do justice to the pictures they shared. अभी का ETA है 3:30 का और बज रहे हैं अभी 2:10, so around approximately 1.5 घंटे के करीब बाकी है। वेदर हमें कोयम्बटूर में काफ़ी गर्मी मिली है, रात को तो प्लेजेंट हो गया था। वहाँ पे जब हम आदियोगी में थे तो बहुत अच्छी हवा वगैरह था, लेकिन वैसे धूप बहुत ज़्यादा तेज है। ऑलमोस्ट रास्ते में भी हमें 40 डिग्रीज का टेम्परेचर मिला है, लेकिन यहाँ पे लग रहा है होपफुली कि वेदर शायद अच्छा मिले, क्योंकि जितना पहाड़ों में दिख रहा है ऑल द माउंटेन्स आर कवर्ड विद क्लाउड्स। आई होप वी गेट अ गुड वेदर देयर। Thank you.
सो हम आए हैं चढ़ के अलियार डैम. बहुत ही ज्यादा सुंदर है. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. दिस इज अ डैम रिजर्वॉयर हनी. बहुत ही सुंदर जगह है और 360 डिग्री ऑसम व्यू है इसका. मगर ये चढ़ने के लिए हम आए हैं कहाँ से. इफ यू कैन सी दिस. ओह गॉड. ओ नीचे से आए हैं हम. एक पार्क है डैम के साथ जो कि टोटली अनकैप्ड है. अनकैप्ड भी कम होगा. बहुत ही बंजर बना के रखा है एकदम ही. लेकिन ऊपर आना तेल निकलेगा. बट व्यू बहुत ही मस्त है. बहुत सुंदर है. टाइगर प्रोजेक्ट देखिए जोन. तो ये है चेक पोस्ट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंटर करने के बाद का. जो जहाँ पे हम उतरे थे अलियार डैम उससे अराउंड किलोमीटर्स डिस्टेंस पे ही ये एंट्री गेट आ जाता है जो कि आपको इवनिंग 5 o'clock से पहले पहले क्रॉस करना होता है. जो अलियार डैम का व्यू पॉइंट हम ऊपर से एंजॉय कर रहे थे वही रिजर्वर यहाँ पे देखो एकदम खाली है. ब्यूटीफुल प्लेस. यहाँ से हाँ उतरो मम्मी उतरो. देखो मम्मी रोड दिख रहा है ऊपर का. देख रही हो विशु इतना दिमाग चाटता है एनिमल्स देखने के नाम पे कि रोहित पहले से डिस्क्लेमर दे रहा है. यस सो स्टार्ट बीइंग क्वाइट. So, there are around 40 hairpin bends on this road. छोटे छोटे से turns हैं, तो काफी curvy road है. Nevertheless, roads बहुत सुंदर है. Road condition भी काफी अच्छी है. मतलब कोई परेशानी नहीं होगी मतलब घाट section में चला रहे हैं. 40 हेयरपिन बेंड्स अभी स्टार्ट शायद नहीं हुआ है अभी ना. हो गए होंगे ना ये देखो. नहीं, 20 दिखाएंगे ना वो कितने हुए वो काउंट दिखाते हैं शायद. मेरे ख्याल से नहीं नहीं दिस इज द प्लेस. अभी नहीं स्टार्ट हुआ. देखो ना ये मैप में देखो इधर. हां करेक्ट. हां सर अभी हेयरपिन बेंड स्टार्ट नहीं हुआ है. सी देयर द वाटरफॉल कृषि. लुक 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 पीछे देखो तुम्हारा साइड है. सी मंकी. See so many monkeys. See, this is why you're telling you to be quiet. This is where it starts. 40 hairpin, this is the first one. Huh? There might be birds here now. First one, not here. 40 ta modhe nila prothom hairpin bend chilo. There might be toucans here. लिखा चलो बी अवेयर चीता. लेपर्ड्स देयर आर लेपर्ड्स.
लेपर्ड्स तो आने का चाहिए. टाइगर क्या है? टाइगर हैज अ स्ट्राइप. ओय देख की सुंदर देख 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 वाटरफॉल देख. टी स्ट्रीट स्टार्ट हो गया जिन्होंने ये पूरा टी स्ट्रीट उधर ही हो चुका है. देखते हो ये ना फैक्ट्री टॉय का नहीं चा बागान तो हमें स्टार्ट हो गया है. दो आड़ी के नाम से होटल तो आड़ी किलोमीटर रह गया है. निशा मुझे चा बागान शुरू हो गया मुझे उधर ही बताइए. So the property we are staying right now is a within a tea estate. उनका ही अपना है टी बंगलो. एरिया को वाटरफॉल बोलते हैं एंड द बंगलो वी आर स्टेइंग इन इज इंद्रप्रस्थ. सो इनके तीन बंगलोज हैं. एक है टेनिस करके है एक टेनिस कोर्ट एक इंद्रप्रस्थ और एक कोई और था जो मुझे समझ याद नहीं आ रहा नाम. आउट ऑफ विच हमने चूज़ किया है इंद्रप्रस्थ. लेट्स सी हाउ इट इज. रूप तो वलपराई का बहुत ज़्यादा सुंदर है. इट्स ब्यूटिफुल. देखो पीछे दिखता है. ओ माई गुडनेस लुक एट दैट. ওটা একচুয়ালি নেওয়ার মতনই জায়গা ছিল না তো. নট নেসেসারি আমরা এদিক দিয়ে নামবো না. ফ্যাক্টরি আউটলেট আছে 1 কিলোমিটার এর কাছে. সো ডেস্টিনেশন ऐसा है जितनी जल्दी कवर कर लीजिए उतना अच्छा क्योंकि eventually ये बहुत पॉपुलर होने वाला है. द ब्यूटी दिस ऑफर्स इज ऑलमोस्ट एट पार विद मुन्नार और ऊटी फॉर दैट मैटर. यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ. और बस अभी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि देर आर नॉट मैनी होटल्स और स्टे ऑप्शंस. So you have to be very careful while choosing where you decide to stay on. क्योंकि या तो बहुत high range पे है या एकदम ही budget range पे. ये mid range वाला जो range है वो थोड़ा difficult है अभी भी यहाँ पे. एक हमने ढूंढने की कोशिश की है जो थोड़ा above थोड़ा upper mid range type का. यही इधर से जाना आई शोर. हाँ वो तो वो वहाँ पे एरो भी लगा ना. इट वॉज सच अ प्रिटी बर्ड कृषि. ये है बंगलो का वहाँ पे एरो भी इंद्रप्रस्थ का ही था ना. There's a peacock right here. No, it's a peahen. Yeah, it's a peahen. Yeah, that's a peahen. Here, here, here. Here, here, here. See? Where? It's in front. I can't. Oh, yeah, yeah. I can't see a peacock. See? There's another peahen here. Rishi? Its feathers are big than mine. It's a Malta. Driver. तो ये है भाई इंद्रप्रस्थ बंगलो. मम्मी बेगम बाहर. डोंट टीज मी. दैट्स गोना बी आवर स्टे फॉर द नेक्स्ट टू नाइट्स. तो जो कुक और जो सपोर्ट स्टाफ है वो एक्चुअली पीछे के साइड थे तो हमें थोड़ा टाइम लग गया. ये है टोटल बंगलो. हाँ दिस इज़ द टोटल बंगलो और ये पूरा बाहर बैठने वगैरह का जगह है. ठीक है व्यू तो आपने देखा ही है अमेजिंग. यहाँ से हमने दो रूम्स लिए हैं
सो यहाँ से जैसे हम एंटर करेंगे दिस इज द फर्स्ट रूम दैट्स द बेडरूम प्रिटी ह्यूज रूम्स और एकदम ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर एंड ऑल दैट्स द वॉशरूम The other room is also interconnected. By the way, the rooms have TV as well. So this is the other room. इससे पहले कि रूम फैल जाए मैंने कहा रूम टूर करवा देती हूँ ये रहा ड्रेसर टीवी और यहाँ कृषु का कार्यक्रम सेट हो गया है ऑलरेडी दिस इज आवर वॉशरूम Which is huge. So इसका separate dresser area है यहाँ पर and that's the wash. और रोहित बिल्कुल जल्दी में सबसे पहले change करने की फिराक में relax होने की फिराक में okay. तो हमने आते से ही चाय और पकौड़ों का order दिया है देखिए इसीलिए मैं आपको रूम टूर नहीं करवा पाती हूँ टाइम से आते ही कृषि सब फैला देता है ये सेकंड रूम से जैसे ही आप बाहर लोगे ये बाहर सेट आउट वाला एरिया है एंड दैट्स द कॉमन एरिया विच इज द लिविंग रूम काइंड ऑफ अ प्लेस दैट्स द डाइनिंग प्लेस Beautiful. Masala, your mama. And that is their kitchen. Please come in. It's okay. These are the things that are to be kept in mind. यहाँ पे वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं एज इन बाइसन वगैरह बहुत इजीली स्पॉट हो जाते हैं अराउंड द टी एस्टेट यहाँ पे एक और रूम है आई डोंट थिंक इफ इट्स ओपन नो इट्स क्लोज्ड सो दिस इज सपोजडली रूम नंबर 1 ओके विच वी डिडंट टेक So we have taken room number 2 and 3. So काफ़ी अच्छी सी प्रॉपर्टी है भाई व्यू वगैरह आपने देख ही लिया है ये गार्डन का व्यू है और ये अभी हमने इसके लिए टोटल बिल जो क्लियर करेंगे हम उसके बाद ही आपको पूरा बिलिंग डिटेल्स वगैरह दूंगी क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एडवांस पे किया है ब्रेकफास्ट और डिनर कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन अलाकार्ट पे भी आप चीज़ें ऑर्डर कर सकते हो और हम मोस्टली मोस्ट प्रोबेबली ऑर्डर करेंगे अलाकार्ट पे चीज़ें तो लेट्स सी बिल कितना स्टैंड करता है अकॉर्डिंगली मैं वो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी सो फॉर नाउ दिस इज़ आर अबोर्ड फॉर द नेक्स्ट 2 डेज सो आज हम लोग और कुछ नहीं करेंगे वैसे भी वालपराई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्टी डेस्टिनेशंस नहीं हैं सो यू जस्ट कम हियर रिलैक्स अनवाइंड एंड गो तो एक आध पॉइंट्स हैं डैम वगैरह हैं जो हम कल कवर करेंगे हमने ये फॉर अ चेंज ये वाला ट्रिप ऐसे ही रखा है दैट जस्ट कुछ मत करो टाइप्स तो इस वीडियो को करती हूँ मैं आज यहीं पर रैप अप मिलते हैं कल आपसे अगर हो सका तो मैं आपको डिनर का थोड़ा स्नैपशॉट दूंगी और क्या खाया वाया उसका डिटेल भी दूंगी वरना मिलते हैं आपसे कल सी यू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज डोंट फॉरगेट